हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़ हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमें गिवन है कि दो ऊपर रजिस्टर्स तीन नीचे अटैच्ड है क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट टोटल रजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बट हम सब कुछ निकालेंगे हर रजिस्टर के लिए करंट और हर रजिस्टर के लिए पोटेंशियल निकालना सीखेंगे ताकि हमें कुछ भी पूछा हो हम निकाल सके तो मीन्स ये हमारी बैटरी है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हम पहले रजिस्टर्स को सॉल्व करते हैं हमने बोला था कि अगर दो रजिस्टर एक ही लाइन में अटैच हों तो वो सीरीज में होते हैं उनको हम ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं ये भी सीरीज है बट जब एक पॉइंट से तीसरा कोई रजिस्टर उसकी कोई छोटी सी टेल निकल जाती है तो तीसरा कोई रजिस्टर अटैच हो गया तीसरी कोई वायर आ गई वो पार्लर बन जाएगा मीन तो यहां तक सीरीज है ये भी सीरीज है बट जब कोई इसकी पूंछ निकल आई तो ये पार्लल बन जाएगा तो हमने बोला कि हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें एक पॉइंट से देखो तीन एक पॉइंट से तीन डिवीजन तो मैंने कहा था दो से ज्यादा दो से ज्यादा अगर हो गई तो पैरेलल बन गया तो वन बाय आर पी विल बी वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू मतलब वन बाय टेन प्लस वन बाय फोर्टी तो वो क्या हो जाएगा फोर्टी और यहां पे हमारे पास आ गया फोर प्लस वन फाइव बाई फोर्टी बच्चे कई गलती कर जाते हैं इसका रिवर्स करना भूल जाते हैं तो प्लीज ध्यान रखें, ये वन बाय आर पी है RP कितना आ जाएगा एट तो मीन्स हम इस रजिस्टर की जगह दो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन की जगह हम एक रजिस्टर बना सकते हैं एट ओम का ऐसे ही आगे नीचे चलेंगे फिर तो नीचे हमारे पास तीन रजिस्टर्स एक पॉइंट से दो से ज़्यादा डिविजन्स चार हो गई पैरल बन गया दो से ज्यादा हो गई चार पैरल बन गया तो ट्वेंटी थर्टी और सिक्सटी पैरल में फिर से वन बाय ट्वेंटी वन बाय थर्टी वन बाय पैरल का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री एल सी एम आया सिक्सटी ट्वेंटी को सिक्सटी से किया तो थ्री टू वन सिक्स बाई सिक्सटी फिर से रिवर्स करना है तो आर आ जाएगा टेन ओम तो हम क्या करेंगे अब यहां एक रेजिस्टर बना दिया टेन ओम अब हमें पता है दोनों एक ही वायर में एक ही लाइन में एक ही लाइन में, में अटैच्ड हैं तो जब एक ही लाइन में अटैच्ड होते हैं तो वो क्या बन जाता है तो वो बन जाता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन तो मीन्स ये आ गया R1 वन प्लस ओम क्या आ जाएगा 18 ओम फिर से दोबारा सर्किट ड्रॉ किया ये एक रेजिस्टर बना लिया बस 18 ओम कितना है 12 वोल्ट तो मतलब नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 8 और 10 18 आर वन प्लस आर टू क्योंकि अब दोनों सीरीज में है एक ही लाइन में है पहले पैरेलल एक सॉल्व करो दूसरा पैरेलल सॉल्व किया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया तो ये दोनों हो गए सीरीज में तो नेट आ गई अब फाइंड करना है टोटल करंट थ्रू द सर्किट सिंपली ओम्स लॉ लगा दो पहले तो जो भी कॉम्बिनेशन है उनको सॉल्व करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो फिर ओम्स ओम्स लगाएंगे और ट्वेल्व आर कितना टोटल करंट तो जो सर्किट में फ्लो कर रहा है अठारह ओम के थ्रू बेटो हम यहां तक करेंगे अब हम रिवर्स साइकिल में शुरू हो जाएंगे लास्ट सर्किट से फिर सेकेंड लास्ट पे चलो सेकेंड लास्ट पे चलो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर टोटल करंट टोटल करंट ऐसे आया अब लास्ट वाला सर्किट ये वाला था उससे पहले वाला तो हमने बोला करंट फ्लो कर रहा है A, तो मतलब सीरीज में है दोनों तो यहां भी इतना ही होगा यहां भी इतना ही होगा ये चीज समझ आई सीरीज में करंट सेम रहता है तो जितना इसका उतना इसका जितना इसका उतना इसका इसका भी पॉइंट सिक्स सेवन इसका भी पॉइंट सिक्स सेवन अब यहां पे करंट पता है रेजिस्टेंस पता है अगर पोटेंशियल पूछा हो अगर पोटेंशियल पूछा हो तो अगेन वी इज इक्वल टू आई आर तीन में से हमेशा दो पता होंगी तीसरी निकालनी होगी और यही स्टेप हम करते जाएंगे पीछे को तो वी इज इक्वल टू आई इन आर आई कितना है आई है पॉइंट सिक्स सेवन आर कितना है एट निकाल लो कितना आया पॉइंट सिक्स सेवन इंटू आर टेन ओम तो वी कितना आ गया सिक्स पॉइंट सेवन ओम इसको सीधा इसमें से माइनस करके भी देख सकते हैं उतना ही बचेगा तो कितना आ गया पॉइंट सिक्स सेवन एट फिफ्टी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी थ्री फाइव पॉइंट थ्री सिक्स तो मतलब ये आ गया फाइव पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट अब देखो हमें इसका करंट भी पता है रेजिस्टेंस पता है हमने यहां हम पोटेंशियल भी निकाल लिया करंट पता है रेजिस्टेंस पता है पोटेंशियल भी आ गया क्या किया सबसे पहले हमेशा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो टोटल करंट फाइंड करो फिर रिवर्स गियर डाल लो फिर हम वापस आए हमने बोला यहाँ करंट इतना था सीरीज़ है तो दोनों में सेम होगा इसका पोटेंशियल इतना आ गया इसका इतना आ गया अब वापस रिवर्स चलो अब यहाँ 5.36 पोटेंशियल है और करंट 0.67 है जैसे यहाँ से 0.67 करंट आएगा अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पारलल में करंट सेम नहीं होता पारल में पोटेंशियल सेम होता है में पोटेंशियल सेम तो जो इसका पोटेंशियल था वो इसका भी हो गया इसका भी हो गया तो क्या मैं लिख सकती हूँ तो दो, दो चीजें हमेशा पता होंगी तीसरे निकालनी होंगी तो आई आ गया वी फाइव पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाई टेन पॉइंट फाइव थ्री एमपीयर सिमिलरली यहां भी निकाल लो i is equal to v by r 5.36 40 यहां पे भी करंट जब यहां से वापस आएगा तो 0.67 आएगा पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तीनों में आपको इसमें करंट पूछा हो आपको इसमें करंट पूछा हो इसमें पूछा हो हमें पता है पोटेंशियल पॉइंट 6.7 था पोटेंशियल 6.7 वोल्ट था तो यहां भी 6.7 वोल्ट होगा यहां भी 6.7 वोल्ट होगा और यहां भी 6.7 वोल्ट होगा। पारलल में पोटेंशियल सेम, तो करंट निकल जाएगा। I equal to V by R, I equal to V by R, I equal to V by R। ऐसे चलेंगे तो आपको कुछ भी पूछा हो कभी नहीं ऐसा हो सकता कि आप ना निकाल पाओ।

पूछा तो उसने टोटल रेजिस्टेंस था वो तो आई गई थी अठारह ओम टोटल करंट वो तो ये था बट कुछ भी किसी भी पार्ट का पूछा हो तो ऐसे करेंगे चलिए बेटू बाय